बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बीजेपी के पूर्व मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार की, जिन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक विवादित बयान दिया है। आशीष शेलार ने नागरिकता संशोधन कानून पर मुख्यमंत्री उद्धव के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था कि चूंकि नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है, इसलिए इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने पालघर जिले के वसई इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधित कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, जिससे महाराष्ट्र में सूबे की सरकार लागू नहीं होने देगी, तो क्या उनके बाप का राज है? आज मैं टीवी पर बगत होता कि आता शिवसेना ने ही भूमिका बदल ली है। मैं शिवसेनेच्या भूमिकेवर जर वर्णनच करायचं झालं तर बदललेले रंग एवढे आहेत की सरड्याने सुद्धा आत्महत्या करावी अशी स्थिती आहे। आज सरडा सुद्धा आत्महत्या करेल असे रंग बदलले आहेत। आणि म्हणून सीए महाराष्ट्रात लागू देणार नाही, अरे तुझ्या बापाचं राज्य आहे काय? आणि म्हणून हा केंद्राचा कायदा, हा केंद्राचा कायदा आहे। जरा ऍडव्होकेट जनरलचं ओपिनियन घ्या, माहीत नसेल तर अभ्यास करा, नसेल करता येत तर माझ्यासारखे वकील खूप आहेत।